पिछले क्लास में हमने सीखा था विनती पद्य का सारांश। अभी आप लिखे होंगे कठिन शब्दों का अर्थ, ऊपर लिखना है हेड, यहाँ पे हेडलाइन विनती, और यहाँ पे आपको लिखना है शब्दार्थ, शब्द अर्थ लिखने हैं। यहाँ पे शब्दार्थ लिखने के बाद एक दो लाइन छोड़कर आपको क्या लिखना है, प्रश्नोत्तर। प्रश्नोत्तर का यहाँ पे मैं स्टार्ट करूँगी, आपको मैं यहाँ से स्टार्ट कर दूँगी, ठीक है। आपको स्टार्ट करना है कठिन शब्द लिखने के बाद नीचे से स्टार्ट करना है, लेकिन यहाँ मैं यहाँ से अभी भी स्टार्ट करके आपको दिखा दूँगी, ठीक है। यहाँ पे है देखिए, प्रश्नोत्तर मौखिक, ठीक है, प्रश्नोत्तर मौखिक। पहला प्रश्न क्या है यहाँ पे, क्या है, कौन विनती कर रहा है, कौन विनती कर रहा है, कौन कर रहा है यहाँ पे विनती, प्रश्न मार्क। उत्तर है बालक विनती कर रहा है, या तो कह सकते हैं बालक कवि, या तो कवि कह सकते हैं, बालक या कवि विनती कर रहा है, ठीक है। ये हो गया पहले प्रश्न का उत्तर। अभी दूसरा प्रश्न लिखेंगे यहाँ पे, किससे विनती कर रहा है, किससे विनती कर रहा है, ठीक है, किससे विनती कर रहा है। उत्तर है भगवान से विनती कर रहा है, ठीक है। यहाँ हो गया सेंटेंस पूरा, भगवान से विनती कर रहा है। यहाँ हो गया मौखिक। अभी यहाँ पे आता है प्रश्न नंबर, प्रश्नोत्तर, प्रश्नोत्तर लिखित, ठीक है, प्रश्नोत्तर लिखित। अभी मैं लिखित प्रश्न का पहला प्रश्न लिखती हूँ, ठीक है। इसको ऐसे अंडरलाइन करना है ताकि आपको समझ में आए, ठीक है। पहला प्रश्न है, कैसा रास्ता अपनाकर मनुष्य सदाचारी बन सकता है, कैसा रास्ता अपनाकर मनुष्य सदाचारी बन सकता है, ठीक है। यहाँ हो गया प्रश्न। उत्तर है सत्य का रास्ता अपनाकर मनुष्य सदाचारी बन सकता है, ठीक है। ये हो गया, ये देखिए, बन सकता है, अभी जो है दूसरा नंबर का,
क्या है? परोपकारी मनुष्य के कर्म किस प्रकार के होते हैं? परोपकारी मनुष्य के कर्म किस प्रकार के होते हैं? उत्तर है, परोपकारी मनुष्य के कर्म दूसरों का भला करने से होते हैं। यहाँ जो मैंने यहाँ पे ऐसे किया है ना, ये है, यानी कि ये जो शब्द है सेम सेमीकोलन, यानी कि इसका ये चिन्ह है। ये हो गया दूसरा वाला। अभी तीसरा जो है यहाँ है, किसकी आज्ञा मानकर हम आज्ञाकारी बन सकते हैं? यहाँ देखिए, किसकी आज्ञा मानकर हम आज्ञाकारी बन सकते हैं? ठीक है, उत्तर है, गुरुजनों का आज्ञा का पालन करके हम आज्ञाकारी बन सकते हैं। ठीक है, ये हो गए प्रश्न के उत्तर। और एक है चौथा वाला जो, ठीक है, चौथा जो है, फोर्थ वन, बच्चे अपने देश की सेवा या देश की रक्षा किस प्रकार करना चाहते हैं? उत्तर है, यही है, बच्चे अपने देश की रक्षा पहरेदार या प्रहरी बनकर अपने देश की रक्षा पहरेदारी बनकर करना चाहते हैं। ये हो गया चौथा वाला। ठीक है, अभी पांचवा, बच्चे अपने देश की शान बनने के लिए ईश्वर से क्या प्रार्थना करते हैं? बच्चे अपने देश की शान बनने के लिए ईश्वर से क्या
प्रार्थना कर रहे हैं। ठीक है, उत्तर जो है बच्चे अपने देश की शान ज्ञानी बनने से बलवान बनने के लिए ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं। ठीक है, ये हो गया आज के लिए प्रश्नों का उत्तर। इसको आपको क्या करना है, अपने क्लास वर्क में उतारना है। देखिए, ठीक सही तरीके से लिखना है और अपने क्लास वर्क में उतारना है। आज के लिए इतना ही, हम अगले क्लास में मिलेंगे अगले एक्सरसाइज लेकर। ठीक है, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।